कांग्रेस की लहर के आगे भाजपा का सुपड़ा हुआ साफ। एक ही दिन एक ही जगह कांग्रेस बीजेपी की रैली, मोदी की रैली से भाग गए लोग। आपको बता दें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए हैं, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव हो चुके हैं और अब राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। और इन चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और विधायक रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत एक ही दिन जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर चौंक जाने वाली बातें सामने आई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा के दौरान कुर्सियां खाली दिखाई दी, तो वही दूसरी तरफ अशोक गहलोत के जनसभा के दौरान कुर्सियां भरी भरी दिखाई दी। कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन का नारा बुलंद करने वाली भाजपा को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं। जब पीएम मोदी की रैली तक में कुर्सियां खाली हैं, तो इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो तो बीजेपी का क्या होगा, ये अपने आप में समझने वाली बात है। और सबसे चौंकाने वाला मामला तो ये है कि एक ही दिन अशोक गहलोत और पीएम मोदी की रैली एक ही जगह हुई, लेकिन मोदी की रैली में खाली कुर्सियां और सीएम अशोक गहलोत की रैली में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो पीएम मोदी की रैली का हाल तो आपने देख लिया वीडियो में कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भरतपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, ऐसे में सारी ही कुर्सियां खाली दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स जमकर भाजपाइयों की फजीहत कर रहे हैं। फिलहाल हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।